प्रमोशन आ जाएगा। देखो गाइस पहले प्रमोशन मिला, देखो तो आप आओगे तो यहाँ पे जरूर खाना खा के जाना, ये मेरा पहला प्रमोशन है। स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस हम लोग 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग इस वक्त स्टेशन पे आके खड़े हैं। असल में हम लोग जा रहे हैं शूट पे, तो अभी हम लोग हमारे स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे गोरेगांव, गोरेगांव से फिर हमारा बस है, बस पकड़ के हम लोग फिर पुणे जाएंगे। वहाँ पुणे में हमारा शूट है ना, वहाँ पे लोकेशन है। तो गाइस लेकिन यार गंदी वाली ठंडी लग रही, मतलब पूरा कांप रहा हूँ यार। सुबह सुबह 4 बज रहे भाई और ठंडी अलग ही है यहाँ पे। तो चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी ट्रेन आने वाली है, बस 10 मिनट है, 10 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो जाके प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। सो गाइस सुबह सुबह कोई हैवी नहीं, एकदम आराम से हम लोग बैठ के जाएंगे, वो भी फर्स्ट क्लास पे बैठ के जाएंगे। टिकट तो हमने लिया नहीं, आप लोगों को पता है सुबह सुबह कौन टिकट लेता है यार, पुकट का पैसा खर्चा करोगा। तो हे गाइस फाइनली यार, मतलब इतने ट्रेन में इतनी गर्दी थी ना सुबह सुबह, मैंने सोचा नहीं था इतनी गर्दी होगी, लेकिन ट्रेन में बहुत गर्दी थी। तो फाइनली हम लोग गोरेगांव पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग गोरेगांव ओबरे मॉल की तरफ खड़े हैं, तो हमारी बस आने वाली है, तो बस पे बैठ के हम लोग या तो पुणे रत्नागिरी, अभी तक सब लोग कन्फ्यूजन है कहाँ जा रहे हैं असल में। तो मेरे को लग रहा है रत्नागिरी जाने वाले हम लोग, तो फिर अभी बस का वेट कर रहे हैं। बस भी लेट है, अभी 8:30 बजे बुलाया था, 9 बज गया, अभी तक बस ही नहीं आई हमारी। सो गाइस अभी हमारे 7 बज रहे और हम लोग सुबह से कंटिन्यू बस में हैं, और मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि यार मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था ना, तो वीडियो बनाने के लिए मिला ही नहीं मेरे को। तो फिलहाल के लिए अभी जाके रेस्ट मिला, मतलब दोपहर को खाना तो खाया लेकिन इतनी हालत खराब हो गई ना, तो वीडियो बना ही नहीं पाया मैं। हम लोग पुणे क्रॉस कर दिए हैं और सतारा पहुंचेंगे अभी, मतलब सतारा में है। तो अभी यहां से अभी हमको और आगे जाने का 2 घंटे का तो सफर है अभी, जहां तक मैंने पूछा है भाई। लेकिन यार मेरे को वीडियो बनाने नहीं मिला यार, क्योंकि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और मैं बस में ही सोया था, पूरा दिन हमारा सोते हुए गुजरा है। बस उम्मीद है कि होटल अच्छा मिले, क्योंकि पूरा दिन भर इतनी थकावट लग गई ना, तो अभी ऐसा लग रहा है कि कब होटल पहुंचे, कब जाके मैं सीधा सो जाऊँ। बस होटल अच्छा मिलना चाहिए यार। अभी हम लोग पीने जा रहे हैं चाय, और यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं चाय के लाइन लगा के, क्योंकि पैसा प्रोडक्शन का ना, तो सब लोग फ्री का पीना चाहते हैं। सब लोग को तलब लगी, खुद का पैसा कोई खर्चा नहीं करेगा, सब प्रोडक्शन को लूटेंगे। गाइस ये देखो रात के समय ये चल रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा, बस हमारा हमको टाइम मिला है 10-15 मिनट का, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा यहाँ पे सतारा घूमेंगे, तो देखते हैं किस तरह है हमारा ये सतारा। तो देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो, और ये देखो, ये लोग हमारे टीम के ग्रुप के, तो चलो फिर थोड़ा मार्केट जाते हैं। हमारे भाई को देख लो ये थोड़ा, ये गाइस ये पागल है, इसको इसके मम्मी पापा ने जब ये जन्म हुआ तो इसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था घोड़े का। तो गाइस ये देखो, इन लोग को चिकन खाना है, मटन खाना है। गाइस कितने गंदे लोग हैं इन लोग, हम लोग वेजिटेरियन है गाइस, हम लोग राम भक्त है, हम लोग चिकन विकन की बात नहीं करते। ये देखो इसको चिकन खाने के गाइस, इसको कमेंट में डालिए तो देखो चिकन खाने का। नहीं भाई हम लोग चिकन विकन नहीं खाते, इसको खाने दो अकेले। तो हम लोग चलते हैं अभी, बस हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो चलते हैं बस के अंदर बैठे। अभी यहाँ से फिर 2 से 3 घंटे का सफर है, तो बस में बैठ के गुजारना पड़ेगा यार, क्या कर रहे हैं, पिछवाड़ा दुखने लग गया बैठ बैठ के। आपको देखो गाइस पहले प्रमोशन मिला, देखो ये देखो यहाँ पे सतारा है ना अंकल, सतारा में ये चाइनीज दुकान है सम्राट चाइनीज, तो आप आओगे तो यहाँ पे जरूर खाना खा के जाना, ये मेरा पहला प्रमोशन है। तो अभी अंकल हमको फ्री में चाइनीज खिलाएंगे। देखो ये वर्कर है, इनको 15,000 पेमेंट है महीने का, और आराम से यहाँ बैठ के आप खा सकते हो। तो गाइस देख रहे हो हमारा पहला प्रमोशन कैसा रहा, फ्री प्रमोशन है ये, फ्री प्रमोशन है। लेकिन अच्छा लगा पहला प्रमोशन करके, मतलब एक अंदाज मिल गया अपने को, फ्री था। अगर हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ी देर रुकते तो अंकल ने बोला चाइनीज खा के जाओ, वो भी फ्री में दे रहे थे, लेकिन हमने बोला नहीं अभी टाइम भी नहीं है और फ्री का जान दो, क्या कर सकते हैं। और वो भी चिकन का दुकान था, चिकन मटन तो हम लोग नहीं खाएंगे भाई, क्योंकि हम लोग राम भक्त है। ये गद्दार है गाइस। जय श्री राम। जय श्री राम का बोल तो रहा है लेकिन गाइस ये मटन खाता है, पाप लगेगा इसको, पाप, इसकी शादी ना हो गाइस। सो है गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे होटल पे, और बाहर हमारा मास्टर खड़ा था, मैं वीडियो बनाते बनाते बाहर ही चलेगा, उसको देखिए मैं अंदर भाग आया। तो कोई नहीं गाइस, हम लोग हमारे होटल में पहुंच चुके हैं, और भाई मतलब
जो सोचा था जिस तरह होटल चाहिए था उस तरह ही मिला है भाई। तो चलो फिर आपको मैं होटल दिखाता हूँ, हमारा रूम दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले। तो ये देखिए हमारे पीछे 214 नंबर का, और ये अंदर जाते जाते ये हमको येड़ा मिल गया है, काला भालू। और हमारे रूम में है टीवी, जो आप लोग के पास आपने कभी देखा नहीं रहेगा। और ये हमारा होटल, ये पूरा रूम है हमारा, दो बेड है, इस पे दो, इस पे दो। तो गाइस लेकिन रूम अच्छा है यार, बहुत अच्छा है रूम। और ये देखो लाइटिंग बिटिंग, तो मैं सोच रहा हूँ ये जो लाइटिंग लगा है मैं ये घर पे लेके चला जाऊँ, ताकि मैं अपने घर पे लगा लूँ, चोरी कर लेंगे। होटल में है ना कुछ लेके जाएंगे। और ये देखो ये पक्का चोर है गाइस, ये भी चोरी करेगा कुछ ना कुछ होटल में से, काला चोर है, इसका मौसा चोर। सो हे गाइस फाइनली हम लोग फ्रेश हो गए हैं, मतलब मैंने तो सिर्फ मुँह हाथ धोया, क्योंकि वैसे भी सुबह नहाने गई है हमको। तो फिर अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना लग चुका है हमारा, सुबह से भूखे हैं। और ये देखो गाइस ये चोर फिर से हमको मिल चुका है। तो सो गाइस आप लोग इसको देख रहे हो, इसको घर पे खाना नहीं मिलता, बेचारा अभी शूट पे आया तो बेचारे को खाना मिलेगा शूट का, नहीं तो घर पे सिर्फ सूखा रोटी खाने को मिलता है इसको, तभी इसका चेहरा इतना काला हो गया है, ये काला कलूटा है। सो हे गाइस फाइनली हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं, और मस्त बिस्तर पे लेटे हैं, बिस्तर का मेरा नहीं है तो वही, हाँ वो मेरा है। तो गाइस बेड एकदम मस्त है, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि कूदू इस पे, तोड़ डालू बेड ही तोड़ डालू, लेकिन कोई नहीं, हमारा बेड नहीं तो हमारे पेमेंट से कट जाएगा अगर कुछ नुकसान हुआ। तो गाइस खाना पीना खा के आ गए, अब हमको सुबह 6 बजे का खाना खाया। सो गाइस कोई नहीं, अभी खाना पीना खा के आ चुके हैं रूम में, तो अभी जाके सो जाते हैं, क्योंकि हमको सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है, तो हमको 5:30 बजे उठने पड़ेगा, सब लोग 4 लोग हैं, तो भाई नहाना धोना ये सब बहुत प्रॉब्लम होगा ना, तो फिर जल्दी सो जाते हैं। बाकी इस वीडियो को यही तक रखते हो, करता आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ, बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिर।